महानगरों की तर्ज पर राजस्थान के शहरों में भी आपातकालीन अनुक्रिया और संयोग प्रणाली टीम काम करेगी और अब किसी भी संकट के समय 112 नंबर पर डायल करते ही तुरंत पुलिस सहायता मौके पर पहुंचेगी। कंट्रोल रूम से फोन आने के बाद अत्याधुनिक संसाधनों से लैस डायल 112 नंबर की गाड़ी पर सवार पुलिसकर्मी लोकेशन पर पहुंचकर पीड़ित की मदद करेंगे। पेश हमारी खास रिपोर्ट। जैसे जैसे जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अब पुलिस को भी अत्याधुनिक बनाने की तरफ जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने पुलिस बेड़े को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस गाड़ियां प्रदान की है। प्रथम चरण में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को 49 गाड़ियां प्राप्त हुई है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इन गाड़ियों के आने के बाद से परिवादी के पास जल्द से जल्द पुलिस सहायता पहुंच पाएगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राशिदीप के मुताबिक इस गाड़ी के चारों दिशाओं में 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो कि सीधे अभय कमांड सेंटर से जुड़े हुए हैं। जब भी किसी सूचना पर ये गाड़ी मौके पर पहुंचेगी तो अभय कमांड में बैठे पुलिस अधिकारी मौके की स्थिति को देख सकेंगे और साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी। ये गाड़ियाँ कई मायनों में पहले की जो गाड़ियाँ हमारे पास रही उनसे बहुत बेहतर और अपग्रेडेड हैं। इसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं मेंशन कर सकता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो नए तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके MDT जो दिया गया है वो पहले की तुलना में एडवांस्ड है। उसका जो इंटीग्रेशन है हमारे अभय कमांड सेंटर के साथ होने वाला है वो इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान है और वो ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसा कि टेस्ट ट्रायल्स में नज़र आता है। इसके अलावा 4 कैमरे लगाए गए हैं प्रत्येक वाहन पे। हमारी गाड़ी जब भी पुलिस की कहीं पर पहुंचती है तो अक्सर ही वहां पर जो सिचुएशन होती है उसको लेकर के बाद में लोग तरह तरह के कयास लगाते हैं, कई बार आरोप भी लगते हैं कि सब जैसा था वैसा पुलिस नहीं बता रही। तो अब ये गाड़ी जब भी मौके पर पहुँचेगी तो क्योंकि 4 कैमरे लगे हैं, हर दिशा में एक कैमरा है, तो मौके की वास्तविक रिकॉर्डिंग हो सकेगी। साथ ही साथ मौके का फीड जो है अभय कमांड सेंटर पर लगातार आ रहा होगा तो उससे वहां पर बैठा व्यक्ति भी देख पाएगा कि सिचुएशन कैसी है और यदि कोई और हेल्प की जरूरत होगी तो वहां से ही उस हेल्प की इनिशियन भी किया जा सकता है। जयपुर में पहले चरण में इन गाड़ियों को शहर के मुख्य और संवेदनशील स्थानों के थानों पर तैनात किया गया है। एक गाड़ी में 3 पुलिसकर्मी सवार रहेंगे, वहीं गाड़ी का चालक कंपनी का होगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नरेट कुंवर राशिदीप के मुताबिक अब सूचना मिलने के महज 5 से 6 मिनट में पीड़ित तक पुलिस सहायता हर हाल में पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, कंट्रोल रूम में गाड़ी में सूचना मिलने पर केवल 1 मिनट में चालक को गाड़ी स्टार्ट कर मौके के लिए रवाना होना होगा। अगर चालक 1 मिनट में गाड़ी स्टार्ट कर मौके के लिए रवाना नहीं होता तो कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। पुलिस अधिकारियों की माने तो इन गाड़ियों से रिस्पांस टीम घटेगा और परिवादी को जल्द पुलिस सहायता प्राप्त हो जाएगी। समय को देखते हुए पुलिस को अत्याधुनिक बनाने की प्रक्रिया में इन गाड़ियों का मिलना पुलिस बेड़े और लोगों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इन गाड़ियों से जयपुर पुलिस किस प्रकार अपराध पर लगाम लगा सकेगी। सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।